राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले हर कोई अपने विधानसभा के समीकरण जानने को लेकर उत्सुक है। तो हम भी आपको सभी सीटों के वर्तमान समीकरण और वहां के उम्मीदवारों की जानकारी दे रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी जहाजपुर विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे डीडवाना विधानसभा सीट के बारे में। डीडवाना विधानसभा सीट पर इस बार होने वाले चुनाव में लगभग 2,63,395 मतदाता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने फिर से अपना भरोसा एक बार चेतन डूडी पर जताया है, तो वही बीजेपी ने भी किसी नए चेहरे पर दाव नहीं खेला है। पार्टी ने पिछली बार की तरह इस बार भी जितेंद्र सिंह जोधा को ही मैदान में उतारा है। लेकिन आपको बता दें, इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूनुस खान का टिकट काट दिया है, जिसका कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। डीडवाना विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने की वजह से यूनुस खान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बता दें, राजस्थान की राजनीति में खान को वसुंधरा राजे का सबसे करीबी माना जाता है। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण पर गौर करें तो आपको बता दें, सीट पर जाट, मुस्लिम और SC वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बना भी सकती है तो बिगाड़ भी सकती है। वही अगर बात करें 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो आपको बता दें, कांग्रेस के चेतन सिंह डूडी ने बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह को 40,602 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। उस समय सीट पर लगभग 56% वोट पड़े थे। डीडवाना विधानसभा सीट नागौर जिले में आती है। सीट से कांग्रेस ने लगातार 9 बार जीत हासिल की है, तो वही बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार ही अपना खाता खोल पाई है। ऐसे में देखने लायक होगा कि अब बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टियों में से सीट पर कौन बाजी मारती है, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार यूनुस खान दोनों पार्टियों को पटकनी देकर आगे निकल जाएंगे। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।